हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है, न्यू ईयर आने वाला है, तो इस साल शायद से आप अपना न्यू ईयर घर पे सेलिब्रेट करने वाले हो। तो इस साल मैंने सोचा कि आपके लिए बेस्ट पार्टी स्पीकर लेके आया हूँ अंडर 10,000 रुपीज़। ये पार्टी स्पीकर इतने ज़्यादा पावरफुल और लाउड है और इनकी साउंड क्वालिटी इतनी ज़्यादा बढ़िया है कि जिसे नाचना नहीं आता वो भी नाचने लग जाए। और पार्ट वन में जिस तरह से आपने सपोर्ट दिखाया उसके लिए मेरी तरफ से आपको थैंक यू और मेरी तरफ से सबको मेरी क्रिसमस। जितने भी स्पीकर इस वीडियो में, उनकी सारी की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो और अपने लिए बाय भी कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सोनी MHC V02 ये सोनी की तरफ से आने वाला काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पार्टी स्पीकर है। अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसके अंदर कितने वाट के स्पीकर यूज़ किए कंपनी ने कहीं मेंशन नहीं किया है। और इसके स्पीकर के ऊपर LED लाइट्स भी दी हुई है जो काफ़ी ज़्यादा कूल दिखती है पार्टी के टाइम पे। ब्लूटूथ वर्जन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 4.2 मिलता है। इसके अंदर आपको पावर सप्लाई मिलता है, बैटरी इसके अंदर नहीं है। और अगर मैं पोर्ट्स की बात करूँ तो इसके अंदर आपको DVD पोर्ट, एक HDMI, एक USB और एक आपको FM मोड भी मिलता है और ऑक्स पोर्ट भी मिलता है आपको। और एक छोटा सा डिस्प्ले भी है स्पीकर के ऊपर और इसके अंदर आपको माइक पोर्ट भी मिलता है। और इसके अंदर आपको जेट बेस बूस्ट का भी सपोर्ट मिलता है और इसके अंदर आपको सोनी म्यूजिक सेंटर ऐप का कंट्रोल भी मिलता है। और अगर मैं स्पीकर की साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बेस एकदम अच्छा है, वोकल भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, ट्रेबल भी बढ़िया है। आखिरकार ये सोनी का स्पीकर है तो आपको साउंड क्वालिटी में दिक्कत नहीं आएगी। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये आपको 9,000 से लेके 14,000 के बीच में मिल जाएगा। LG XBOOM ON 2D ये LG की तरफ से आने वाला काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पार्टी स्पीकर है। अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 100 वॉट RMS का पावर आउटपुट मिलता है। ब्लूटूथ वर्जन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 4.2 मिलता है। बैटरी इसके अंदर नहीं मिलती, ये पावर सप्लाई के थ्रू चलता है। और इसके अंदर अगर मैं पोर्ट्स की बात करूँ तो DVD पोर्ट, एक HDMI, एक USB और इसके अंदर आपको FM मोड भी मिलता है और एक ऑक्स पोर्ट भी मिलता है। और इसके स्पीकर के ऊपर डिस्प्ले भी मिलता है आपको। और इसके अंदर आपको दो माइक इनपुट मिलते हैं और इसके अंदर आपको एक्स बेस मोड भी मिलता है जिससे इसका बेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और बॉक्स के अंदर आपको एक रिमोट भी मिलता है। और अगर मैं स्पीकर की साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बेस एकदम अच्छा है, वोकल भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, ट्रेबल भी बढ़िया है इसका। और ये स्पीकर काफ़ी ज़्यादा लाउड है, आपके मीडियम साइज के रूम को ये आराम से म्यूज़िक से भर देगा। और अगर मैं स्पीकर की प्राइस की बात करूँ तो ये आपको 8,000 से लेकर 13,000 के बीच में मिल जाएगा। ये LG का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और पावरफुल पार्टी स्पीकर है। FND PA926 ये FND की तरफ से आने वाला काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पार्टी स्पीकर है। अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 60 वॉट RMS का पावर आउटपुट मिलता है। और इसके स्पीकर के ऊपर LED लाइट्स भी दी हुई है जो काफ़ी ज़्यादा कूल दिखती है पार्टी के टाइम पे। ब्लूटूथ वर्जन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 2.1 मिलता है। बैटरी इसके अंदर आपको 7000 mAh की मिलती है जिसका प्लेबैक टाइम 5 आवर्स है और इसे चार्ज होने में लगभग 8 आवर्स लगते हैं। पोर्ट्स की बात करूँ तो ऑक्स, AC पावर सप्लाई जिससे आप इस स्पीकर को चार्ज कर सकते हो। और इसके अंदर आपको एक USB पोर्ट मिलता है, एक SD कार्ड स्लॉट मिलता है और दो माइक इनपुट मिलते हैं। और इसके अंदर आपको FM मोड भी मिलता है और इसके स्पीकर के ऊपर डिस्प्ले भी मिलता है आपको। और बॉक्स के अंदर आपको एक वायरलेस माइक और एक रिमोट मिलता है। और अगर मैं स्पीकर की साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बेस एकदम अच्छा है, वोकल भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, ट्रेबल भी बढ़िया है। और ये स्पीकर इनफ है आपकी मीडियम साइज की पार्टी के लिए। और अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये 8,000 से लेके 10,500 के बीच में मिल जाएगा। ये FND का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पार्टी स्पीकर है। FND PA924 ये FND की तरफ से आने वाला काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पोर्टेबल पार्टी स्पीकर है। अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 40 वॉट RMS का पावर आउटपुट मिलता है। और इसके स्पीकर के ऊपर LED लाइट्स भी दी हुई है जो काफ़ी ज़्यादा कूल दिखती है पार्टी के टाइम पे। ब्लूटूथ वर्जन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 2.1 मिलता है।
बैटरी इसके अंदर आपको 7000 mAh की मिलती है, इसका प्लेबैक टाइम 5 hours है और इसे चार्ज होने में लगभग 8 hours लगते हैं। पोर्ट्स की बात करूँ तो इसके अंदर ऑक्स AC पावर सप्लाई जिससे आप इस स्पीकर को चार्ज कर सकते हो, एक USB का पोर्ट और एक SD कार्ड स्लॉट मिलता है और इसके अंदर आपको 2 माइक इनपुट मिलते हैं और इसके अंदर आपको FM मोड भी मिलता है और इसके स्पीकर के ऊपर आपको एक डिस्प्ले भी मिलता है और बॉक्स के अंदर आपको एक वायरलेस माइक और एक रिमोट मिलता है। और अगर मैं स्पीकर की साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बेस एकदम अच्छा है, वोकल भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, ट्रेबल भी बढ़िया है इसका। और अगर मैं स्पीकर की प्राइस की बात करूँ तो आपको 6000 से लेके 8000 के बीच में मिल जाएगा। ये FND का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और पोर्टेबल पार्टी स्पीकर है। फिलिप्स MMS2200B194 ये इस मॉडल का नाम है। और अगर मैं इस मॉडल की स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 100W RMS का पावर आउटपुट मिलता है और इसके स्पीकर के ऊपर LED लाइट्स भी दी हुई है जो काफ़ी ज़्यादा कूल दिखती है पार्टी के टाइम पे। ब्लूटूथ वर्जन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 4.2 मिलता है, बैटरी इसके अंदर नहीं मिलती है, पावर सप्लाई के थ्रू चलता है। पोर्ट्स की बात करूँ तो इसके अंदर आपको SD कार्ड स्लॉट, एक USB और इसके अंदर आपको FM मोड भी मिलता है और इसके अंदर आपको ऑक्स इनपुट भी मिलता है और इसके स्पीकर के ऊपर आपको एक डिस्प्ले भी मिलता है और बॉक्स के अंदर आपको एक रिमोट कंट्रोल भी मिलता है। और अगर मैं स्पीकर की साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बेस एकदम अच्छा है, वोकल भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, ट्रेबल भी बढ़िया है स्पीकर का और ये स्पीकर काफ़ी ज़्यादा लाउड है, आपके मीडियम साइज के रूम को ये आराम से म्यूजिक से भर देगा। और इस स्पीकर की प्राइस की बात करूँ तो ये आपको 6000 से लेके 8000 के बीच में मिल जाएगा। ये फिलिप्स का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और लाउड पार्टी स्पीकर है। साउंडकोर रेव मिनी ये साउंडकोर की तरफ से आने वाला काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पार्टी स्पीकर है। अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 80W RMS का पावर आउटपुट मिलता है और इसके स्पीकर के ऊपर LED लाइट्स भी दी हुई है जो काफ़ी ज़्यादा कूल दिखती है पार्टी के टाइम पे। ब्लूटूथ वर्जन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.1 मिलता है, बैटरी इसके अंदर आपको 10000 mAh की मिलती है जिसका प्लेबैक टाइम 18 hours है और इसे चार्ज होने में लगभग 4 hours लगते हैं। पोर्ट्स की बात करूँ तो इसके अंदर ऑक्स AC पावर पोर्ट और इसके अंदर आपको USB पोर्ट भी मिलता है जिससे आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो और स्पीकर के अंदर आपको साउंडकोर ऐप का कनेक्टिविटी ऑप्शन भी मिलता है जिससे आप इस स्पीकर के EQ को और इसके LED लाइट्स को भी चेंज कर सकते हो और ये भी एंकर के साउंडकोर पार्टी चेन को सपोर्ट करता है जिससे आप मल्टीपल साउंडकोर के पार्टी स्पीकर्स को कनेक्ट कर पाओगे। और ये स्पीकर IPX7 की रेटिंग के साथ आता है जिससे आप इसे पानी में भी डाल सकते हो। और अगर मैं स्पीकर की साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बेस एकदम अच्छा है, वोकल भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, ट्रेबल भी बढ़िया है इस स्पीकर का और ये स्पीकर काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, आप अपने बैग में इसे आराम से डाल सकते हो। और अगर मैं स्पीकर की प्राइस की बात करूँ तो ये आपको 7000 से लेके 9500 रुपीज़ का मिल जाएगा। अगर आप एक पोर्टेबल पार्टी स्पीकर परचेस करने का सोच रहे थे तो आप इसे ज़रूर कंसिडर कर सकते हो, ये आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। साउंडकोर रेव नियो ये साउंडकोर की तरफ से आने वाला काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पोर्टेबल पार्टी स्पीकर है। अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 50W RMS का पावर आउटपुट मिलता है और इसके स्पीकर के ऊपर LED लाइट्स भी दी हुई है जो काफ़ी ज़्यादा कूल दिखती पार्टी के टाइम पे। ब्लूटूथ वर्जन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.1 मिलता है, बैटरी इसके अंदर आपको 10000 mAh की मिलती है जिसका प्लेबैक टाइम 18 hours है और इसे चार्ज होने में लगभग 4 hours लगते हैं। पोर्ट्स की बात करूँ तो इसके अंदर Type-C पोर्ट जिससे आप इस स्पीकर को चार्ज कर सकते हो और इसके अंदर आपको USB पोर्ट भी मिलता है जिससे आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो। और ये स्पीकर IPX4 की रेटिंग के साथ आता है जिससे आप इसे हल्की फुल्की बारिश में भी ले जा सकते हो और इसको आप साउंडकोर ऐप के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो जिससे आप इस स्पीकर के EQ को और इसके LED लाइट्स को भी चेंज कर सकते हो और इसे पार्टी चेन के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। और अगर मैं स्पीकर की साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बेस एकदम अच्छा है, वोकल भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, ट्रेबल भी बढ़िया है स्पीकर का और ये काफ़ी ज़्यादा लाउड है, आपके मीडियम साइज के रूम के लिए इनफ है। और अगर मैं स्पीकर की प्राइस की बात करूँ तो आपको सिर्फ 5000 से लेके 8000 के बीच में मिल जाएगा। ये साउंडकोर का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और पोर्टेबल पार्टी स्पीकर है। साउंडकोर रेव ये साउंडकोर की तरफ से आने वाला काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और पोर्टेबल पार्टी स्पीकर है। अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 160W RMS का पावर आउटपुट मिलता है और इस स्पीकर के अंदर आपको LED लाइट्स भी मिलती है जो काफ़ी ज़्यादा कूल दिखती है पार्टी के टाइम पे। ब्लूटूथ वर्जन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.1 मिलता है, बैटरी इसके अंदर आपको 20000 mAh की मिलती है जिसका प्लेबैक टाइम 24 hours है और इसे चार्ज होने में लगभग 4 hours लगते हैं। पोर्ट्स की बात करूँ तो इसके अंदर आपको ऑक्स और एक AC पावर सप्लाई मिलता है जिससे आप स्पीकर को
चार्ज कर सकते हो। और इसके अंदर आपको दो USB के पोर्ट मिलते हैं, एक अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए और एक पेन ड्राइव लगाने के लिए। और इस स्पीकर को भी आप साउंड कोर ऐप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और इसके अंदर आपको माइक इनपुट भी मिलता है, जिससे अपना माइक लगा के गाने वगैरह प्ले कर सकते हो। और ये स्पीकर भी IPX4 की रेटिंग के साथ आता है, जिससे आप इसे हल्की फुल्की बारिश में भी ले जा सकते हो। और अगर मैं स्पीकर की साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बेस एकदम अच्छा है, वोकल भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, ट्रेबल भी बढ़िया है स्पीकर का, और ये काफ़ी ज़्यादा वार्मर साउंड करता है, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है स्पीकर के लिए। आपको इसकी साउंड क्वालिटी में ज़रा भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये काफ़ी ज़्यादा लाउड है, आपके मीडियम साइज के रूम के लिए तो ये इनफ ही है। और अगर मैं स्पीकर की प्राइस की बात करूँ तो ये आपको 9000 से लेके 13000 के बीच में मिल जाएगा। ये साउंड कोर का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और पावरफुल पार्टी स्पीकर है। पर्सनली ये मेरा फेवरेट पार्टी स्पीकर है, क्योंकि इसके अंदर आपको JBL जैसी साउंड क्वालिटी मिलती है, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है स्पीकर के लिए। और आप इसे ज़रूर कंसिडर कर सकते हो, ये बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा आपको। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और वंस अगेन मेरी तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर। आशा करता हूँ कि आपका 2021 बहुत अच्छा जाएगा, आपकी सारी विशेष पूरी हो जाएंगी। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।